अनदर एपिसोड ऑफ चाय चर्चा और परचा। चाय हमारे बीच है, चर्चा के लिए आज डॉक्टर परवेश खान सर हमारे साथ हैं, और परचा यानी आपका जो नीट का एग्जाम होने वाला है और जेई का एग्जाम होने वाला है उस विषय में थोड़ी बहुत बातचीत आज हम करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। सर शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, ठीक है? और हमने सुना है आपने उदयपुर में भी पढ़ाया है और आप कोटा से ही हैं। एग्जैक्टली अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो ये जर्नी बहुत से लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल हो सकती है। बहुत से लोग जो हैं सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए और आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके सामने होगी। यथार्थ मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम फर्स्ट ईयर से। हालांकि उससे पहले भी मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था लेकिन ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फिजिक्स तो डेफिनेटली मेरा आज भी फेवरेट है, शुरू से फेवरेट था। लेकिन फिजिक्स की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे जो अपने आप को डीमोलराइज कर लेते हैं या डीमोलराइज फील करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है फिजिक्स के अंदर, मुझे उनको इस जर्नी को सुन के समझ के समझ में आएगा कि एक्चुअली अगर वो सिस्टमेटिक हार्डवर्क करें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो क्योंकि ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पढ़ता था तो ऐसा हुआ कि एक दिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स थी फिजिक्स में, सिंपल आर्मी मोशन चैप्टर था जी, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा फिजिक्स में क्या चल रहा है। वो कह रहे कि सर हमारा फिजिक्स में ऐसे चल रहा है और कुछ हमें समझ में नहीं आया, जिन भी समझ में आया। मैंने इसे वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर यार, एक काम करते हैं कल अपन बैठते हैं और सिंपल आर्मी मोशन में आपको सिखाऊंगा। तो आप इमेजिन करें केमिस्ट्री पढ़ाने वाला ट्यूटर अगर आपसे कहें कि मैं कल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो कितने बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो उस टाइम पे मेरे पास ट्यूशन पे 38 स्टूडेंट्स थे, उनमें से आप बिलीव नहीं करोगे सिर्फ 4 बच्चे थे मेरे पास। और ये बात है कोटा की, ना ये बात है उदयपुर। अच्छा, तो जब 4 बच्चे आए तो चारों बच्चों को मैंने कहा यार बाकी लोग कहाँ हैं, किस तरह से बच्चे में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, चारों बच्चे जो थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो चारों जो बच्चे थे वो उसी साल ना सिर्फ सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए। इसका ये मतलब होता है कि देखो अगर अच्छा बच्चा है पढ़ने में, या पढ़ने में अच्छा बच्चा वही होता है जो अपने टीचर में 100% फेथ करता है। तो वो जो चारों बच्चे थे उनमें एक लड़का था भाविक, अभी वो US के अंदर है, सिलिकॉन वैली के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट है। तो वो आया, कहने लगा सर आपने कहा था कि SHM के कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे, तो सिखाइए। तो मैंने उनको 4 बजे बुलाया, 4 बजे से 8 बजे तक मैंने सिंपल हार्मोनिक मशीन के सारे बेसिक कंसेप्ट उनको सिखाए, उनकी बहुत सारी शॉर्ट टेक्स उनको सिखाई, और उसके बाद मेरे सामने बैठ करके उनकी जो भी बुक्स थी उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। हम वहाँ से 10 बज के लगभग 45 मिनट फ्री हुए, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों के डर से वाले परेशान हुए थे बच्चे इतने लेट कैसे हो। नेक्स्ट उनका टेस्ट था, जहाँ भी टेस्ट देने जाते थे दे स्कोर 100% इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टेस्ट। मंडे के दिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जो बच्चे सारे के सारे उन्होंने सब्जेक्ट बोला कि सर ने फिजिक्स ज़्यादा अच्छा पढ़ाया इस कम्पेयर टू केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट डे जब बच्चे आए वहाँ पर तो जहाँ मेरा ट्यूशन सेंटर था उसके बाहर सारे बच्चे खड़े 38 out of 38 पूरे बच्चे और आपस में ग्रुप बना के चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगा यार ऐसा था कि मैं जब कॉलेज से आया करता था तो जो रूम था जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ बाहर की रखी होती थी और उनसे कह देता था कि बाई चांस किसी वजह से लेट हो जाऊँगी इस की से आप लॉक खोले अंदर बैठ जाए। तो उस दिन वो अंदर नहीं बैठे, बाहर ही खड़े। तो मैंने उनसे पूछा क्यों आप बाहर खड़े, तो पहले तो वो आपस में डिस्कस करने लगे, फिर मेरी तरफ देखने लगे, फिर आपस में डिस्कस करने लगे। मुझे ना क्या हो क्या गया भाई, क्या प्रॉब्लम? तो भाविक चल क्या है कि सर हम सब ने ये डिसाइड किया है कि आप आज से हमें फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री हम कहीं और पढ़ने की। तो ये 2002 की बात, तो 2002 से मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और फिजिक्स को मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, उसको इंजॉय करता हूँ। और जब तक मैं फिजिक्स को एंजॉय कर रहा हूँ, जब तक मैं पूरे डेडिकेशन से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तब तक ही पढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार आज मैं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है फिजिक्स पढ़ाने में, मैं इस प्रोफेशन से बाहर जा रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज नॉट प्रोफेशन, मेरा एक इंडिविजुअली लगाव होता है बच्चों के साथ, ये पैशन है, पैशन है, ज़बरदस्त पैशन। एक्चुअली मैं फिजिक्स को जीता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैं घर पर भी कोई काम कर रहा हूँ तो बच्चों से कुछ ऐसी टर्म में बात कर जाता हूँ, छोटे बच्चे हैं तो उनकी समझ में नहीं आती,
तो फिजिक्स जो है मेरे सराउंडिंग में बनी हुई हर तरफ, और मैं फिजिक्स को एंजॉय करता हूँ और इसीलिए मैं अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ा पाता हूँ। आई होप कि तो बच्चे बेहतर जानते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। पर जो मेरी जर्नी रही फिजिक्स की, उसमें अगर देखा जाए तो 2005 से मैंने अच्छी रैंक्स देना स्टार्ट किया। 2005 में पहला बच्चा था मेरा स्टूडेंट जो फिजिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया था ओलंपियाड के अंदर। ओके, और उससे पहले तो नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एक तरह से प्रोफेशनली फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और आफ्टर एवरी कहीं ना कहीं मैंने टॉप 100 में बच्चे लाना स्टार्ट कर दिया। और हाईएस्ट स्कोर होता है बच्चों का फिजिक्स, क्योंकि अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद स्कूल टाइम में फिजिक्स में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था फिजिक्स, तो मुझे समझ में आता है कि एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे की फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है। एग्जैक्टली, और इसीलिए मैं फिजिक्स को वहाँ से रेस करना स्टार्ट करता हूँ और टॉप तक लेके जाता हूँ। इसलिए हर बच्चा सेटिस्फाइड रहता है, खुश है। यह आपको पता है कि इस जगह से 100% प्रॉब्लम आनी है। एग्जैक्टली, और उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना। हाँ, अच्छा इसमें क्या होता है कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि यार किस तरह से हम कैलकुलेशंस को शॉर्ट करके ट्रिकी फॉर्म में आंसर ला सके, ताकि हमारा एग्जाम के अंदर जो हमें पेपर दे रहे हैं वहाँ अगर आपके फिजिक्स के पेपर पर से आपने टाइम बचा लिया, अगर बाकी पेपर्स के लिए आपके बहुत सारा टाइम होगा। तो मैंने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स करके, खुद के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को और अच्छा करके कुछ इस तरह के ट्रिक्स और इस तरह के कंसेप्ट डेवलप किए हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जी नीट फिजिक्स के आउट ऑफ 45 मिनिमम 25% तो विदाउट टचिंग द पेन सोल्व करने का, और ऐसा कर पाता है वो, तो आप इमेजिन करें कि उसके पास सोल्व करने के लिए सिर्फ रिमेनिंग 20% हैं। हाँ। तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और इसीलिए बच्चा इससे अच्छा स्कोर कर पाता है। तो सबसे जरूरी चीज़ ये कि ये तरीके हमें सिखाने पड़ते हैं खुद। अच्छा इसमें सबसे जरूरी चीज़ आप सिखा तब पाओगे जब आप खुद हार्डवर्क करोगे अपने घर, आप खुद अपने आइडियाज जनरेट करोगे, आप बहुत सारा अलग अलग तरह का लिटरेचर आप पढ़ोगे, वहाँ से चीज़ों को आप कलेक्ट करोगे, फिर बच्चों को डिलीवर करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपको नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे और बच्चे इन्जॉय करते हैं सब्जेक्ट। सर जो हार्डवर्क की आप बात कह रहे हैं या घर पे काम करने की आप बात कह रहे हैं, तो सर अनुभव से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एग्जैक्ट, सभी अनुभव से आता है, अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। 20 साल की आपकी जर्नी है, ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर कम्प्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। सर कितनी कोचिंग्स में आपने अभी तक बच्चों का मार्गदर्शन किया है? देखिए सबसे पहले तो क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो अपना खुद का स्टार्ट किया, तो लगभग 11 से 12 साल तक खुद का रन किया और बहुत अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस की, इंक्लूडिंग IIT रैंक 1। तो आई थिंक मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि आई एम लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस इंडस्ट्री जिसने IIT रैंक 1 को भी पढ़ाया है। हाँ। नीट रैंक 1 को भी पढ़ाया है। हाँ। और एम्स रैंक 1 को भी पढ़ाया है। अच्छा। तो एक टॉप बच्चा किस तरह से सोचता है मुझे वो भी समझ में आता है, और एक बिलो एवरेज बच्चा किस तरह से सोचता है वो भी मुझे समझ में आता है। हाँ। और कहीं ना कहीं इसीलिए अच्छा सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि किसी भी, ये ज़रूरी नहीं मैं फिजिक्स के टीचर की बात करूँ, चाहे वो केमिस्ट्री का टीचर हो या बायो के टीचर हो या मैथमेटिक्स के टीचर हो, अगर आप किसी तरह से बच्चे का माइंड रीड कर पाते हैं ड्यूरिंग द क्लास कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई चीज़ क्यों समझ में नहीं आई, तो आप अच्छे टीचर हैं। और अगर आप उसके दिमाग में उसकी चीज़ें नहीं निकाल सकते तो यू आर नॉट गुड टीचर। उसके लिए बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि बच्चे के साथ इतना फेमिलियर होना पड़ता है कि आपको हर डाउट, छोटा सा छोटा डाउट भी वो फ्रेंडली आपसे पूछ सके, तब जाके बच्चा आपसे चीज़ें निकला पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला तो जो टास्क है किसी भी टीचर के लिए वो ये होता है कि आप बच्चे से इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए कि वो आपसे खुल के चीज़ें डिस्कस कर सके। अगर उसको छोटे छोटे प्लस माइनस में भी दिक्कत आती है तो उसको शर्म नहीं आ गया, उसको पूछने में झिझक ना हो आपसे, तो आप अच्छे टीचर। कई लोग ऐसा होता है कि पढ़ाते वक्त बच्चों को छोटे मोटे एरर्स हो जाती है तो इस तरह से आंसर करते हैं बच्चे का कि वो बच्चा बेचारा दोबारा हिम्मत ही नहीं करता क्वेश्चन को पूछने। हाँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपसे कोई भी बच्चा जब क्रॉस क्वेश्चन करे ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास, तो आप जिस तरीके से अपना उसको डिलीवर कर रहे वो इतना प्यार से होना चाहिए और इतना सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगली बार आपसे अभी फिर अपना डाउट पूछे, क्योंकि कोई बच्चा अननेसेसरी डाउट नहीं पूछता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर आप अच्छे टीचर बन जाते हैं तो बच्चा मार्क्स अपने आप लेके आता है। देखिए हार्डवर्क बच्चा ही करता है, यू आर ए कोच यू आर ए गाइड, तो आप उसको सही गाइडेंस देंगे, आप सही तरीके से उसको कोचिंग देंगे तो डेफिनेटली वो अपना रेस करेगा ऊपर। और मैं तो ऐसे बच्चों भी जानता हूँ जो फिजिक्स में ग्रेस नंबर लेके आए थे लेकिन टॉप करके गए। मैं कई बार एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल देता हूँ जिसको स्कूल ने साइंस देने से मना कर दिया था कि हम साइंस नहीं देंगे, यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर द साइंस, और उसने अपना टेरिटरी बोर्ड में भी टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया बोर्ड में, और उस टाइम AIIEEE हुआ करता था, तो AIIEEE के अंदर उसकी ऑल इंडिया रैंक 35 है। अरे वाह, तो आप देखेंगे कैसा बच्चा है जिसको साइंस देने से मना कर दिया है,
उसकी एयर डब्ल्यू में एयर 35 थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स 20-21 साल की जर्नी में देखें कि एक बिलो एवरेज बच्चा कैसे टॉप करता है। देखिए, जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हार्डवर्किंग होता है, वो तो अपने आप में ही आपसे चीज़ें निकलवा लेंगे। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो चीज़ें वो कुछ ना झिझकता है, जिसको मुश्किल आती है, उसकी केयर करके उसको ऊपर लाना मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो टॉप बच्चे होते हैं वो बेचारे मतलब इतने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और इतने ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं कि बेसिक चीज़ें अपने लेवल में पढ़ लेते हैं और आपसे बाकी चीज़ें अपने आप निकला लेंगे। उनके अंदर आर्ट होता है, वो क्रॉस क्वेश्चन किस तरह से करेंगे क्लास के अंदर कि आप जो भी नहीं पढ़ाना चाहते वो भी निकला लेंगे। ये बच्चे के अंदर आर्ट होता है। और एक अच्छा स्टूडेंट ही टीचर को अच्छा टीचर बनाता है। अगर आपको डेली चैलेंज मिलते हैं क्लास के अंदर कि यार नहीं, वो चार बच्चे ऐसे क्लास में बैठेंगे, अगर मैंने ठीक से डिलीवर नहीं किया तो वो क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेंगे, मुझे मुश्किल होने वाला है, तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाओगे और वही आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा मानना है कि अच्छा स्टूडेंट ही टीचर को अच्छा टीचर बनाता है। और अगर आप हर साल एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, उन एक्सपीरियंस को वन बाय वन अपने पास इकट्ठा करते हैं, उन एक्सपीरियंस को आने वाली क्लासेस में आप डालते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा टीचर होंगे। सर, जैसे आपने ट्यूशन पढ़ाई, इसके पहले भी किसी ना किसी कोचिंग में आपने यस आपने जब कोचिंग की बात की, तो देखिए क्या होता है कि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, तो चाहे वो कोचिंग्स हों या स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, उन लोगों की नज़र आप पे होती है क्या कि एक जगह से रिजल्ट अच्छे क्यों आए हैं। और ये तो इंडिपेंडेंट पढ़ाने वाले लोग हैं, तो अगर ये हमारे साथ जुड़ जाए बहुत अच्छा करेंगे। तो काफ़ी रिनॉर्ड इंस्टीट्यूशन था, है अभी भी, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया उनको ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि मैं कोटा का रहने वाला हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी बात हो सकती है, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया जी। उन लोगों ने मुझे मेरे ऊपर काफ़ी फेयर किया जी, और काफ़ी फेयर करके अच्छे बच्चे पढ़ाने के लिए, टॉपर बच्चे पढ़ाने के लिए, और बाकी बच्चे तो पढ़ाते ही थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाने को मिले और मैंने बहुत अच्छी रैंक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प की। देखिए क्या होता है, कोई भी इंडिपेंडेंट टीचर रैंक प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप जानते हैं फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी, अगर हम नीट की बात करें तो, और अगर हम IIT की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। तो ये कंबाइंड एफर्ट होता है टीचर, स्टूडेंट और सिस्टम का, जिससे उसका रैंक आता है। तो सिस्टम की अगर बात करें तो अनअकैडमी का सिस्टम कैसे और दूसरी कोचिंग इन सबसे अलग है, आपको यहाँ पर क्या एक डिफरेंस देखने को मिला? ठीक है, सबसे पहले तो अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले काफ़ी सोचना पड़ा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया। और यहाँ जिस तरह से हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ अनअकैडमी की मुझे ये लगी कि जितनी भी टीम यहाँ पे आई है जिन्होंने ज्वाइन किया अनअकैडमी, उन सबको इस चीज़ का फ्रीडम है कि आप सिस्टम अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं और बच्चे के फेवर में होना चाहिए। तो जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो हर चीज़ बच्चे के फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को देख के किया जाए। कोई एक चीज बहुत लंबे समय से चलती आ रही तो exactly. इतने सारे लोग हैं ना, इतनी बड़ी टीम यहाँ बनी है, उस सारी टीम में मैक्सिमम जो लोग हैं वो 15-20 साल के एक्सपीरियंस के, वो अनुभव, वो सारा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक साथ अगर मिल रहे हैं, उसका जो रेजोनेंस हो रहा है और उससे चीज़ें आउटपुट निकल के आ रहा है, मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है। मैं जिन बैचेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कई बार बच्चों से रैंडमली पूछ लेता हूँ कि कैसा चल रहा है, दे आर वेरी, वो इतनों के चेहरे से वो ग्लो समझ, ग्लो उनका चेहरे का जो ग्लो है वो समझा देता है कि ये क्लास के अंदर कितने खुश हैं और बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल किस लेवल पे है। तो जो कंटेंट डिजाइन का काम है, जो सिस्टमेटिक तरीके से ELTs 15 बना रहे हैं, जिस रिविजन मेथड पे हम वो बना रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा टास्क यही है यहाँ पर कि हम हमारा कंटेंट इस तरह से डिजाइन करें अनअकैडमी के अंदर कि बच्चा अगर 3 महीने बाद भी 3 महीने पहले पढ़े हुए चैप्टर के क्वेश्चन करें तो सोल्व करता है, उसे ये ना कहना पड़े कि सर मुझे एक दिन का टाइम दो मैं रिवाइज करूँगा उसके बाद सोल्व करूँगा। तो हमारा गोल ये कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से रिविजन मेथड में पढ़ाया जाए कि 3 या 4 महीने बाद आप उसको कोई भी चैप्टर पकड़ा दो कि यार फिजिक्स का आपने 4 महीने पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा था, आज क्वेश्चन करवाने, वो इमीडिएटली बैठ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आती है क्लास से पढ़ने। ये वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे, वो सभी मेरी इस बात को एग्री करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चों के पेरेंट्स भी कभी ना कभी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे के साथ मेजर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती। समझ में तो 100% आता है हर बच्चे को। कोई बच्चा अगर नीट या IIT की तैयारी करने यहाँ आया है तो वो एक सपना लेके आता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बेचारा बच्चा पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा होता है। तो जब वो पूरी इतनी ऑनेस्टली क्लास में बैठता है, टीचर को सुनता है, समझता है और इतने एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो 100% समझ में आता है।
सबसे बड़ा गोल और सबसे बड़ा टास्क बच्चे के साथ जो होता है आफ्टर टू और थ्री मंथ, वो ये होता है कि जो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जो कंटेंट पढ़ा दिया गया है उसको कैसे याद करें। जो मेरे टेस्ट में करंट सिलेबस भी आ रहा है, प्रीवियस सिलेबस भी आ रहा है, तो मैं अगर करंट को स्टडी करता हूँ तो प्रीवियस छूट जाता है, प्रीवियस को स्टडी करता हूँ करंट छूट जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे को एक लेकिना फील होता है। तो हमने कोशिश ये की है कि इस तरह से कंटेंट डेवलपमेंट किया जाए कि बच्चा जब हमारे साथ कंटिन्यूसली फ्लो में पढ़ा जाए तो एक अगर वो 10-15% टाइम भी रिविजन को देता है बाकी सारा टाइम करंट को देता है तो उसको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे रिवीजन का बैकअप करना है या मुझे किसी चैप्टर को पढ़ के फिर एग्जाम देना है। हमारी कोशिश ये है कि बच्चा कम से कम रिवीजन करके भी मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो अन अकेडमी में आपको ये फ्रीडम मिल गई कि इस तरीके से जो हमारे पुराने अनुभव हैं उनमें जो भी लूप होल्स निकल कर आए हैं वो यहाँ बिल्कुल भी ना। एग्जैक्टली, हम उनको फुलफिल करेंगे और ना सिर्फ फुलफिल करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि बच्चा जब हमारे साथ जुड़ के रहे पूरे 1 साल तक तो वो बेचारा जिस सपने को लेके यहाँ आया उस सपने को पूरा करने में हम अपनी पूरी जान लगा दें, बच्चे के साथ मिलके काम करें। देखिए मैं बहुत कॉमन चीज़ बोलता हूँ और ये मैं तब भी बोलता था जब अपना खुद का कोचिंग करता था, इसको मैं किसी इंडिविजुअल कोचिंग से नहीं जोड़ रहा हूँ। ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, वो अनअकैडमी हो सकता है, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो सकता है, राइट। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो टीचर और स्टूडेंट के एफर्ट्स आता है, ठीक है। तो हमें अनअकैडमी ने इतना फ्रीडम दिया है कि आप बच्चे के साथ जितना अच्छा कर सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं, आपके कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। डाउट्स के लिए हमने हमारी खुद की डिमांड थी कि हम नहीं चाहते कि हम खुद पढ़ाएं डाउट ओवर होते, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कई बार बच्चा कन्फ्यूज होता है कि आपने पढ़ाया डाउट में बता रहा हूँ, आपका तरीका कुछ और था, मेरा तरीका कुछ और है, बच्चा दोनों को लिंक नहीं कर पाता। तो जब मेरी पढ़ाई की चीज़ का डाउट अगर मैं ही क्लियर करूँगा तो डेफिनेटली बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो हम सब ने ये डिसाइड किया है कि ना सिर्फ हम क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारे डाउट सेशन भी हम लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कंटेंट डेवलपमेंट हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, तो इतना एक्सपीरियंस जो पूल है फैकल्टीज का, एक्सपर्ट फैकल्टीज का पूल है, वो सारा का सारा पूल मिलके शानदार कंटेंट डेवलपमेंट कर रहा है। कंटेंट भी आप ही बना रहे हो, पढ़ा भी आप ही रहे हो, डाउट भी आप ही ले रहे हो, टेस्ट मटेरियल की प्रिपरेशन भी आप ही कर रहे हो, तो ऑल इन ऑल सारा अनुभव आपने एक जगह जहाँ झोंक दिया, तो डेफिनेटली बात है रिजल्ट आना ही आना। यथार्थ यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, एक अच्छा टीचर क्या होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपने अपने पास्ट के अंदर बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाए, अच्छे अंदर बच्चे सभी अच्छे होते हैं, पर मैं जब भी अच्छे बच्चे की बात करता हूँ तो वो रैंक ओरिएंटेड बच्चे की बात होती है, राइट, बाकी सब बच्चे अच्छे होते हैं। तो जब आपने काफ़ी रैंक ओरिएंटेड बच्चे पढ़ाए होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि उन बच्चों ने अपने पास्ट में, आपके पास्ट के अंदर इतने क्रॉस क्वेश्चन आपसे किए होते हैं, अलग अलग वैरायटी, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो या मल्टीपल सोर्सेज वो सोल्व करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं, वो इतने क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ लिए होते हैं पहले और जिनकी आंसर आप देख चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि बच्चों को कहाँ का स्लीपिंग पॉइंट्स है, कहाँ डिफिकल्टीज आती हैं। अगर उन सभी डिफिकल्टीज वाले पॉइंट्स को आप क्लास में डिलीवर कर दो तो आपका बच्चा बहुत स्मूथली रन करेगा और उसका रैंक लाना बहुत आसान होगा। कुछ सवाल है, पहला सवाल जो है वो बच्चों से नहीं, बच्चों के माता पिता से, ठीक है। माता पिता की तरफ से सवाल आया है कि हम ये जानते हैं हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है और हम ये जानते हैं इसका सब्जेक्ट पर नॉलेज बहुत अच्छी है, इसकी सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस 20-21 साल के अनुभव में कई सारे ऐसे छात्र छात्राएँ होंगे जो अभी डॉक्टर बन रहे होंगे और सफल डॉक्टर होंगे, बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल बन रहे हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर? पढ़ाई तो अपनी जगह है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि वो एक सफल डॉक्टर बने? क्योंकि ये पढ़ाई तो एक कुछ समय के लिए है, जैसे बच्चा यहाँ आया पढ़ाई करी उसने, उसके बाद में उसका बच्चा यहाँ आया उसने पढ़ाई करी उसका सिलेक्शन हो गया, उसे अच्छा कॉलेज मिल गया, कॉलेज में उसने तैयारी करी, डिग्री हासिल करी, डॉक्टर बन गया। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में होनी ही चाहिए? क्योंकि ये जो उम्र है यही उन बच्चों को पता चल जाए कि ये होना चाहिए, वो आज से उसको डेवलप करने लग, टाइम के साथ तो सब डेवलपमेंट होता है पर अगर आज से वो डेवलप करने लग जाएगा तो मैं समझता हूँ उससे अच्छा और शायद कुछ ना हो। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा, हाँ, तो ये होगा कि अगर आप अपने फील्ड को एंजॉय करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी गारंटी। अगर आपको अपना फील्ड अच्छा नहीं लगता, किसी और का फील्ड अच्छा लगता है, तो आप अपने फील्ड के फेलियर होंगे, इसके लिए रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी टास्क आपको जीवन में मिले, चाहे आप डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने का चाहे आप मेडिसिन लें या आप सर्जरी लें या कोई भी एक्सरसाइज आप अपने ब्रांच लें, अगर आप अपने फील्ड को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस रहेंगे। एक और चीज़ है, जनरली क्या होता है,
अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि गुड रैंक जो होती है ना किसी बच्चे की नीट एग्जाम के अंदर जो अच्छी रैंक होती है वो अच्छा डॉक्टर बनने की गारंटी नहीं होती। हाँ इट मे बी पॉसिबल कि लास्ट रैंक वाला जो बच्चा है वो फर्स्ट रैंक वाले से ज्यादा अच्छा डॉक्टर बने फ्यूचर में, क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनना एक लंबी फिनोमेना है। आपकी 5 साल की डिग्री है, फिर आपका इंटर्न है, उसके बाद आपकी पीजी है, तो आप अपने फील्ड को कितना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आपने कितना सीरियसली चीज़ों को सीखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुंबई के अंदर नानावटी हॉस्पिटल के अंदर हुए हैं, तो वो उदयपुर के अंदर जब पीजी कर रहे थे पीडियाट्रिक्स के अंदर, तो एक दिन उनके रूम पे पहुंचा, वो भी बहुत फेमस और बहुत अच्छे डॉक्टर। जब उनके रूम पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो एलोपैथी की डिग्री कर रहे हैं, एलोपैथी के लिए डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उनकी रूम के अंदर पीडियाट्रिक्स की होम्योपैथी की बुक भी रखी हुई है, आयुर्वेद की बुक भी रखी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि यार तुम तो एलोपैथी में होम्योपैथी और आयुर्वेद की बुक क्यों रखी हुई, बहुत खूबसूरत आंसर उन्होंने क्या देखो होगा ये प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लान। इतना जब आगे का सोच के चलता है बंदा तो डेफिनेटली सक्सेस रहेगा कि मेरे पास इन फ्यूचर जो पेशेंट आएंगे अपने बच्चों को लेकर के, बच्चों को जब ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, तो ये जरूरी नहीं कि वो पहली बार मेरे पास आए, इट मे बी पॉसिबल कि वो पहले किसी होम्योपैथी डॉक्टर के दिखाकर आए, इट मे बी पॉसिबल कि वो किसी आयुर्वेद वाले को दिखाकर आए। तो जब वो पर्चा लेके आएंगे जिसमें उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से इसका इलाज क्यों नहीं होने। अगर मैं वो जो उसका डायग्नोसिस है उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यार देखिए इसने जो डायग्नोस किया और जो डिजीज डायग्नोसिस उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उससे बच्चा सही नहीं हुआ, इसका मतलब उसका डायग्नोसिस गलत था। बिल्कुल, तो मैं राइट एक्शन डायरेक्ट एक्शन करूँगा। तो आप इमेजिन करें कि एक बंदा जो अपनी पीजी के दौरान वो सोच लेके चल रहा है कि आज से 5 साल बाद 6 साल बाद कोई पेशेंट अगर ऐसा आएगा जो पहले से किसी ऐसे डॉक्टर को दिखा गया है जो मेरी लाइन का नहीं था, तो भी मुझे उसका प्रिस्क्रिप्शन समझना आना चाहिए, तो फिर ऐसा बंदा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो कहानी ये है कि जो अपने फील्ड को एंजॉय करता है वो सक्सेस होता ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को चाहिए होता है मेडिसिन, नहीं मिला, उसने सर्जरी ले लिया अधूरे मन से। अब ठीक है, सर्जरी का फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर निकल गया, कहीं ना कहीं थर्ड ईयर तक उसका इंटरेस्ट आ गया, तो 2 साल उसने खो दिए। सिंपल सा कंसेप्ट है कि देखो कोई भी ब्रांच बुरी नहीं होती। आप देखेंगे कि बहुत सारे सर्जरी के अंदर इतने बड़े बड़े नाम है कि मेडिसिन वालों से आ गए, ठीक है, बहुत सारे सर्जरी में से नाम है जो मेडिसिन में से नाम है जो सर्जरी वालों से आ गए। अल्टीमेटली आप अगर अपने फील्ड के मास्टर हैं तो फिर आपके फ्यूचर में आप सक्सेसफुल रहेंगे, सक्सेस की गारंटी होगी। तो असल चीज़ यही है, अगर मैं बहुत सारी बात नहीं करके कंक्लूड करना चाहूँ तो आप अपने फील्ड को एंजॉय करें, अपने काम को एंजॉय करें, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। सर एंजॉयमेंट हमेशा मन से होता है और बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। सर बच्चा यहाँ आता है और 10वीं के बाद आता है, 10वीं तक उसको अपनी माँ के हाथ का खाना मिलता है और घर में रहता है, बड़ा स्पेशल फील करता है, और 10th के बाद मैक्सिमम बच्चा 10th के बाद कोटा रहता है। आज अनअकैडमी भी ऑफलाइन कोटा में है और कई बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। सर इस जर्नी में या तो ये 2 साल की जर्नी होती है या 12वीं करके बच्चा आता है तो वो 1 साल की जर्नी होती है, 2 साल की, 1 साल की, जितने भी समय की जर्नी है, मन ठीक रहेगा जब अन्न ठीक रहेगा, उसकी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, ये भी अभिभावकों से ही प्रश्न निकल कर आया है क्योंकि पेरेंट्स की हमेशा चिंता रहती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कोटा में पढ़ने वाले बच्चों को एक ही प्रॉब्लम रहती है, फूड प्रॉब्लम। लेकिन देखो क्या होता है, अगर आपके गोल फिक्स्ड हैं, आपकी प्रायोरिटीज फिक्स्ड हैं, तो फिर आपको कोई भी चीज़ से रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एक एग्जांपल अगर देके बताता हूँ, एक बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया था काफ़ी टाइम तक और मेरा फेवरेट स्टूडेंट रहा है, अभी वो US के अंदर बर्कले से क्वांटम ग्रेविटी के अंदर रिसर्च कर रहा है, MIT में उसने टॉप किया था, IIT में उसने टॉप किया था। जब वो कोटा आया, कोटा के हॉस्टल के अंदर गया, तो मैं उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ और उसके घर को, उसका स्टडी रूम देखा मैंने, उसका डाइनिंग हॉल देखा, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड उसका था उसको मैंने देखा था। जब मैं उसके साथ पहली बार उसके हॉस्टल गया और उसका रूम देखा आप लोगों ने, तो मुझे खुद को लगा कि यार तू यहाँ कैसे पढ़ेगा, इतना छोटा सा रूम और वो भी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है और यहाँ हॉस्टल में कैसा खाना मिलता। उसका जवाब बहुत ज़बरदस्त था कि सर मुझे क्या करना है, मुझे 1 साल निकालना है और मेरी दोस्ती मेरी किताबों से और टेबल से, ना रूम की दीवारों से, ना किसी बाहर के सराउंडिंग से, तो मुझे सिर्फ इतना खाना मिल जाए हेल्दी कि मैं सुबह और शाम इतना खा लूँ
कि मुझे नींद भी ना आए और मेरा जीवन भी चलता रहे और मैं पूरी पढ़ाई पर फोकस कर सकूँ। तो इस फोकस को बरकरार रखने के लिए कुछ डाइट ऐसी आप बताएं। मैं वही वही जानना चाह रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कोई चीज़। तो जब बच्चे के इंटेंशन इतने प्योर होते हैं और इतना क्लियर है कि मुझे करना क्या है, तो उसको किसी चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी आप इमेजिन करें कि आपने अच्छा खाना नहीं खाया, एग्जाम का एक महीना बचा हुआ है और आपने कुछ गलत खाना खा लिया, उसके वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको फूड पॉइजनिंग हुई, कुछ भी हो गया, आपकी पूरे साल की मेहनत खत्म हो गई। इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हेल्दी खाना खाएं, अपने डाइट के अंदर फूड्स को मैक्सिमम यूज करें और लाइट खाना बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएं, बाहर के खाने से बचें। जितने भी हॉस्टल्स हैं उनमें लगभग सभी हॉस्टल्स में हाइजीन मेंटेन किया जाता है और अच्छा खाना मिलता है। तो बजाय खाने के अंदर वेराइटी ढूंढने के, हेल्दी खाना में जितना आप ले सकते हैं उससे 10-15% कम खाना डाउन खाना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा नींद ना आए, आपको बहुत ज़्यादा आलस नहीं आए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, खाने का शेड्यूल फिक्स रखें। राइट, ऐसा नहीं मर्जी में तब खा लिया, ठीक है, यहाँ से बाहर उठे और खाने निकल लिए, राइट। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसका सेट होना जरूरी है। आपका खाने का शेड्यूल, आपका सोने का शेड्यूल, आपका पढ़ने का शेड्यूल, इसको बस सिस्टमेटिक तरीके से बनाएं और सिस्टमेटिक तरीके से रन करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कभी भी अनहाइजेनिक खाना नहीं खाएं। बच्चों, मैंने कई बच्चों को देखा, एग्जाम्पल मेरे पास है, एक बच्ची को एग्जाम के कुछ दिनों पहले जॉन्डिस हो गया और वो कहीं ना कहीं गलत पानी पीने की वजह से या कोई इन्फेक्टेड पानी की वजह से उसको बताया था, हुआ था, और उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप 10 में रैंक आएगी, लेकिन उसकी टॉप 100 में रैंक तब भी रही। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता एग्जाम के 40 दिन पहले, उसकी उसको जॉन्डिस नहीं होता, इतनी बहुत सीवियर केस होता ना, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बच्चे को, बच्ची को, तो उसकी वजह थोड़ा सा रैंक पीछे हो गया। लेकिन बच्चे ने अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ टॉप 10 में आना था वहाँ टॉप 100 में गई, सिलेक्शन तो तब भी हुआ। इसका ये मतलब होता है कि सिलेक्शन के लिए तो जो पहले वो लास्ट के जो 40 दिन है वो सिलेक्शन नहीं करवाते, वो तो आपको रैंक को रिफाइन करते हैं कि कितना अच्छा आपका रैंक हो सकता है, ठीक है। मेहनत जो आपने साल भर की थी वही काम आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत की और लास्ट के कुछ दिनों में आपको डिस्टर्बेंस हो गया तो आप होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। आपको सिस्टमेटिक हार्डवर्क करते रहना है, आपके पूरे साल की मेहनत ही आपका सिलेक्शन करवाती है। लास्ट के दिनों में अगर आप अच्छे से मेहनत कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है इस पेपर के अंदर, और वो कॉन्फिडेंस आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो अच्छे करवा देगा और रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इससे अच्छे तो सर का ऐसा कहना है लाइट खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और 10-15% कम खाइए जिससे आपको नींद ना आए। स्वाभाविक सी बात है, दिन में जब आप खाना खा लेते हैं तो हर इंसान को नींद आती है, पर ये हमारे पास जो 2 साल है या 1 साल है यही वो समय है जब हमें पूर्ण रूप से अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित करना है। थैंक यू वेरी मच सर, ये सभी बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। सर एक प्रश्न और है, ये यक्ष प्रश्न है वापस से, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में एक सर से यक्ष प्रश्न पूछा था, आपसे भी ये पूछ लूँ। नीट में सिलेक्शन परसेंटेज कम क्यों होता जाता है? देखिए नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स हैं, हर साल थोड़ी बहुत बढ़ते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट ईयर 10 लाख बच्चे नीट में अपेयर होते हैं तो उसके इस साल 12-13 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे बढ़ रहे हैं, मोटा मोटा मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन उस रेशियो में सीट्स नहीं बढ़ रही, तो सिलेक्शन रेशियो तो कम होना है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मेरे समझ में आती है, तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि क्या रीज़न है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होना ही होता। बच्चा इतनी मेहनत करता है तब भी अपने कोचिंग के टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। देखिए होता क्या है, कई बार मैं बच्चों से इस मामले में बात करता हूँ कि एक बच्चा एवरेज बच्चा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों आपको, मैं बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी। होता ये कि एक एवरेज बच्चा है जिसका स्कोर 300-400 के आसपास होता है उसके टेस्ट के अंदर। अब बीच में कहीं ड्यूरिंग द जर्नी उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं शायद मेहनत कम कर रहा हूँ, मुझे और हार्डवर्क करना चाहिए, तो अपने टीचर से जाके मिलता है, और जब अपने मेंटर से जाके मिलता है तो उसको मशवरा देते हैं, प्लानिंग बना के बता देते हैं बेटा ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। जी होता ये कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलता है कि बच्चा जो है उस मोटिवेशन से जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर लेता है बच्चा कि अगर मैं 15-20 दिन बाद जो टेस्ट दूंगा तो मेरा स्कोर अच्छा होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर बच्चा लास्ट कुछ दिनों पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हार्डवर्क करने की, मिड सेशन आपको लगता है कि मैंने पिछले दौरान कम मेहनत की थी मुझे और अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तो बच्चों आपको क्या करना है, एटलीस्ट 45 डेज तक
अपना 100% देना। 45 डेज में जो कुछ भी आप सीखोगे वो सारे कंसेप्ट अगले दिनों में आपको हेल्प करेंगे और चीज़ों को आसानी से सीखने में। तो जो रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, आपका रिजल्ट इंप्रूव करना होना स्टार्ट होगा, वो लगभग 45 डेज के बाद आना स्टार्ट होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 15 से 20 दिन बाद जो टेस्ट होता है, जब उसमें स्कोर वापस कम होता है, तो होपलेस लगता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की 15-20 दिन थी, मेरा स्कोर नहीं पढ़ा। ऑल ऑफ सडन कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो चेन है पूरी कंसेप्ट की। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो कंसेप्ट आपने क्लियर किए वो आगे के कंसेप्ट आपको सीखने में मदद करेंगे, फिर आगे और आप सीखेंगे, और धीरे धीरे करके 45 डेज तक आप लगातार हार्ड वर्क करते हैं, पूरी इंटेंसिटी से मेहनत करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ 45 डेज के बाद आपको अपने आप अपने अंदर, अपने टेस्ट पेपर्स में, अपने स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप 45 डेज तक 100% अपना दें, तब जाकर आपका कोर्स इंप्रूव होगा। और रही बात सिलेक्शन नहीं होने की, बहुत सारे कोर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो रीज़न होता है वो यही होता है कि बच्चे कई बार जो हैं अपने स्कोर को देख के होपलेस हो जाते हैं। होपलेस कभी नहीं होना, टिल दी एंड हार्डवर्क करना है। हम इसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जो लास्ट के 3 या 4 महीने में भी ज़बरदस्त हार्डवर्क करके अपनी सीट निकाल के लेंगे। तो अगर आप सिस्टमेटिक हार्डवर्क करते हैं पहले दिन से आखिरी दिन तो सिलेक्शन तय है। लेकिन किसी वजह से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी रीज़न से आप नहीं पढ़ाई कर पाते बीच में, तो जब तक जागो तब सवेरा, आप तब से मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें, धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होगा एंड डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी। सर नीट का एग्ज़ाम आने वाला है 17 जुलाई, निर्णायक दिन है, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी। एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ बच्चों को सबके लिए, होता क्या है अन्यथा कि मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सब इसको मानेंगे भी, समझेंगे भी और उसको इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा दिखेगा। कई बार क्या होता है, क्योंकि नीट के पेपर में ऑफन अलग अलग कोर्स आते हैं और कोर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिक्वेंसिंग अलग अलग हो जाती है। आप इमेजिन करें हम दोनों पेपर दे रहे हैं और हम दोनों पढ़ने में अच्छे थे, हमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा स्कोर होना चाहिए, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम दोनों की उम्मीद है। तुम्हारे पेपर के अंदर तुमने क्या देखा, पहले पेज पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर अटेंड करना शुरू किया, वो सारे इजी या मॉडरेट थे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इमेजिन करें अगर मेरे टेस्ट पेपर में पहले 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए तो बहुत मुश्किल थे, तो मेरा क्या होगा, पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरे में मुश्किल आएगी, तीसरे में कैलकुलेशन ऐसे आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं एकदम से जमीन पाया था, मुझे पिछले एक साल की मेहनत याद आने लगी, मेरा क्या होने वाला है। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप पेपर सोल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, तो किसी ने निकल के पेपर वहीं से सोल्व करना होता है, जस्ट 2 पेज पढ़ लो और शुरू हो जाओ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है, क्योंकि सबके साथ पेपर के क्वेश्चन सेम है, लिखा थोड़ी है कि यहीं से शुरू करना है। एग्जैक्टली, तो जब भी ऐसा लगे बच्चों को यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, स्किप करो, आगे बढ़ो, सेकंड राउंड में सवालों को सोल्व करो, राइट। तो ये बहुत मैंने बच्चों के साथ देखा है कि सर वो पेज पेपर सोल्व करना स्टार्ट किया था, शुरू में मुश्किल सवाल था, उलझ गया, बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया, पेपर के 8 आया तो पता लगा बहुत ईजी क्वेश्चन थे लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है, और अगर अपने को कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरू में आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें मुश्किल आ रही है, तो जस्ट स्किप करो और आगे बढ़ो और सोल्व करना स्टार्ट करो, आप डेफिनेटली अच्छा करो। तो क्योंकि नीट एग्ज़ाम 17 जुलाई को है, इतने सारे बच्चे हमारे देश के अंदर डॉक्टर का सपना लेकर के, डॉक्टर बनने का सपना लेकर के उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चों टिल दी एंड हार नहीं मानना, टिल दी एंड हार नहीं मानना है, पेपर के दिन तक भी हार नहीं मानना है, पेपर में भी हार नहीं मानना, टिल दी एंड फाइट करना है। मैं आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करें, अच्छा फ्यूचर बनाएं। लेट्स क्रैक इट।